हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मी। दिस इज शीनम कटारिया। मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पीपीएससी नैप तहसीलदार के पेपर का एनालिसिस। जीके के 80 क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, एनालिसिस करने वाली हूँ कौन से सब्जेक्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन आए। अब आपको पीपीएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करनी है, आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, मेरी टेस्ट सीरीज में से क्या कंटेंट आया, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको देने वाली हूँ। मैंने जो क्लासेस स्टार्ट की थी नैप की, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर की, जीके की, दिसंबर में की थी 2021 में, उन क्लासेस में से मेरा क्या कंटेंट आया, तो मेरी क्लासेस में से जो मैंने बताया था वैसे बहुत सारी चीज़ें आई हैं। मेरी टेस्ट सीरीज जो 300 MCQ वाली थी नैप के लिए, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के लिए, जीके के 300 MCQ, मेरी टेस्ट सीरीज में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था कौन सा क्वेश्चन मेरी कौन सी टेस्ट सीरीज से कौन से नंबर वाला क्वेश्चन आया है एंड मेरी क्लासेस में से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। तो देखिए, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको देने वाली हूँ। अगर अपने बात करें, जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी तो मैंने ये बात बोली थी कि देखो, नैप तहसीलदार का पेपर ना एक लेवल का पेपर आएगा, आप दूसरे पेपर से कंपेयर मत करो, कोई क्लर्क का पेपर नहीं है, पीपीएससी कंडक्ट करवा रही है। पीपीएससी का चाहे नैप का पेपर हो चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर का पेपर हो, दोनों के दोनों पेपर का एक लेवल होगा। तो ये बात सही थी, नैप तहसीलदार के पेपर का एक लेवल था, मॉडरेट पेपर था, ठीक है, बट ये तो एक्सपेक्टेड था ना कि नैप तहसीलदार की पोस्ट है भाई, कोई क्लर्क की पोस्ट नहीं है, नैप तहसीलदार की पोस्ट थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर की पोस्ट होगी। सो पेपर एक्सपेक्टेड था कि पेपर एक लेवल का आएगा, पेपर में रोल सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का होगा। मैंने एक वीडियो भी डाली थी, उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि ये जो पेपर होते हैं ना पीपीएससी के, चाहे वो नैब का होएगा चाहे वो कोऑपरेटिव का होएगा, यहाँ पे जो रोल होगा ना टाइम मैनेजमेंट का रोल होगा। अब जिस भी बच्चों से मैं सुनने की कोशिश कर रही हूँ ना, सॉरी सुन रही हूँ, जो मेरे को बता रही हैं वो यही बोल रही हैं, पेपर बहुत लेंथी था, हमसे हुआ नहीं, टाइम चला गया, हमारे कई क्वेश्चंस रह गए। तो यही बात मैंने पहले भी बोली थी, भाई पेपर देने जाओगे यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का रोल बहुत बड़ा है, 120 क्वेश्चन आ रहे हैं और 120 ही मिनट हैं, आपको पहले से डिसाइड करके जाना चाहिए था कि हमें किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये सब आपको सोच के जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे खेलना टाइम मैनेजमेंट वाला ही है। ओके, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट, एक मिनट में बंदा एक क्वेश्चन नहीं कर सकता, ना तो आप एक मिनट में रीजनिंग का क्वेश्चन कर सकते, ना ही आप एक मिनट में मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर सकते, ना ही आप एक मिनट में जीके का क्वेश्चन सोल्व कर सकते, तो यहाँ पे दिमाग लगाना था। ये बात बिल्कुल सही है कि नैप तहसीलदार की जो जीके थी ना, उसमें जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा लेंथी थे, स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम लगता है, बट एक बात आप मन में दिमाग में बिठा लो कि ये तो एक्सपेक्टेड था ना कि पेपर का एक लेवल आएगा, तो वो लेवल आया है, कोऑपरेटिव का भी एक लेवल आएगा, बट अब आपको नैब तहसीलदार से क्या सीखना है, क्या ऐसे कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जो एक्सपेक्टेड नहीं थे जिसमें से इतने क्वेश्चन आ गए। अब ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी के कितने सारे क्वेश्चन आए हैं नैब तहसीलदार के, इतने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं थे कि ज्योग्राफी में से इतने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, आए बिल्कुल बेसिक बेसिक, चाहे वो स्टेटमेंट वाले आए। अब मैं आपको बात बताती हूँ, नॉर्थन एमोस्फियर, साउथर्न एमोस्फियर वाला क्वेश्चन, मीजोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ये जो क्वेश्चन थे ना, जिस बंदे ने सिक्स क्लास की एनसीईआरटी रीड की होती ना, सिक्स क्लास की एनसीईआरटी का है ये टॉपिक, मीजोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, नॉर्थर्न एमोस्फियर, साउथर्न एमोस्फियर। तो ज्योग्राफी जो थी, बिल्कुल ऑनेस्टी वाली चीज बताती हूँ, ज्योग्राफी एक्सपेक्टेड नहीं थी। मैंने आज तक जो भी बताया ना कौन कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके बताया था, पर ज्योग्राफी का कहीं पे भी नाम नहीं था कि ज्योग्राफी के स्टैटिक से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, आए हैं। तो हमें नैप तहसीलदार के पेपर में से बहुत सारी चीजें सीखनी है। मैं आपको सारा कंक्लूड करके बताती हूँ, अगर मैं बात करूँ पॉलिटी में से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, एक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, एक्ट, अब मैंने ये बात बोली थी जब मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी ना, आप जाके देख लेना, मैंने सबसे पहले मेरी क्लास पता है फर्स्ट आई थी वो एक्ट पे आई थी, क्योंकि मुझे पता था एक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये चीज मेरे को पता थी, एक्ट पॉलिटी का भी हिस्सा है और एक्ट मॉडर्न हिस्ट्री का भी हिस्सा है। तो मैंने ये क्लासेस में बात बोली थी कि भाई एक्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं, कंपनी रूल के एक्ट, क्राउन रूल के एक्ट, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट का हिस्सा है, पॉलिटी का भी मॉडर्न हिस्ट्री का, तो एक्ट में से पॉलिटी में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो पॉलिटी के क्वेश्चन तो थे, तो पॉलिटी आप मान के चलो आपको कोऑपरेटिव के लिए पॉलिटी करनी है।
अब नैब तहसीलदार पे ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, तो आपको कोऑपरेटिव के लिए ज्योग्राफी भी तैयार करके जानी है। आपको ज्योग्राफी 6 से लेकर 12 क्लास की एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखना। ओके, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, आपको ये पेयर में क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आने चाहिए। अब सेंचुरी पे क्वेश्चन आया है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, तो ऐसी चीजें आपको आनी चाहिए। ये स्टैटिक जीके का भी हिस्सा होती है और ज्योग्राफी का तो हिस्सा है ही। तो अब आपको कोऑपरेटिव के लिए ज्योग्राफी पढ़ के जानी है, इतने सारे क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी के 10 तक, ठीक है? तो आपको कोऑपरेटिव के लिए ज्योग्राफी पढ़ के जानी है। थर्ड थिंग, अब ना किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री के आई थिंक सो 3 या 4 से 5 क्वेश्चन आए, 5 तक, है ना? अब एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किए थे आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री तो हमें पता थी कि मॉडर्न हिस्ट्री तो भाई इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चन तो आते हैं, बट एंशियंट हिस्ट्री में क्वेश्चन आए हैं। अब आपको कोऑपरेटिव के लिए ना एंशियंट करके जानी है, बट आपको मिडिवल भी करके जानी है। क्या पता कोऑपरेटिव में मिडिवल से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे चीजें नैब तहसीलदार में अनप्रिडिक्टेड हो गई ना। हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था ज्योग्राफी के इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था एंशियंट हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आ जाएंगे 4 से 5। बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, देखो एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो आए थे ना सिंपल क्वेश्चन आए थे, तो आपको क्या करना है ना, कोऑपरेटिव के लिए आपको एंशियंट और मिडिवल पढ़नी है, तो आप 11th क्लास की तमिलनाडु की बुक आती है हिस्ट्री की, आप वो कर लेना। उसमें क्या है, क्योंकि एंशियंट के वन लाइनर आए, अगर मिडिवल भी पूछता है अगर वो कोऑपरेटिव में पीपीएससी, तो भी वन लाइनर ही पूछेगा। इसलिए अगर आप 11th क्लास की तमिलनाडु वाली बुक कर लेंगे ना हिस्ट्री की, उसमें एंशियंट और मिडिवल है, तो आप इजिली क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको करनी करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम में इनफ है स्पेक्ट्रम। आप एंशियंट और मिडिवल के लिए 11th क्लास की तमिलनाडु पढ़ें, और आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आप रीड करें, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आप और बात करते हैं, अब देखिए एनवायरमेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए। एनवायरमेंट के करंट वाले जो क्वेश्चन थे ना, वो तो बिल्कुल 1-2 थे नॉर्मल, बट बाकी जो भी क्वेश्चन आए ना, एक लेवल के क्वेश्चन आए। इसलिए आपको एनवायरमेंट तैयार करके जानी है कोऑपरेटिव के लिए। एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक अच्छी बुक है। स्टैटिक आया है एनवायरमेंट में, जो करंट आए हैं ना वो बिल्कुल 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं, बाकी स्टैटिक आया है। एनवायरमेंट बहुत आता है, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगी अलग से वीडियो में कि आप शंकर आईएएस की बुक में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए पीपीएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर के लिए। अब नैब तहसीलदार की बात करते हैं करंट अफेयर्स की। अब देखो करंट अफेयर्स बड़े आए हैं नैब तहसीलदार में, अब आपको कोऑपरेटिव के लिए करंट अफेयर करने हैं। बट एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर मैं करंट की बात करूँ ना, आपको जो कोऑपरेटिव के लिए करंट करने है ना, आपको हाई लेवल भी करना है और आपको लो लेवल भी करना है। क्योंकि इसमें क्या था ना, हाई लेवल वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे थे और लो लेवल वाले भी थे। लो लेवल मेरे कहने का मतलब है जैसे अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, कोई गेम से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? और ये बात मैंने बोली थी कि देखो पीपीएससी में ये वाले क्वेश्चन आते हैं 3 से 4। आप मेरी वीडियोस उठा के देख लेना, जो बच्चे मेरी वीडियोस रोज देखते हैं ना उन्हें ये बात पता होगी। मैंने बोला था 1 से लेके 10 के बीच बीच में आप लगा के चलो, आपको वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं, अवार्ड से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, कोई बुक से रिलेटेड, और वो आए भी है नैब तहसीलदार में। इसलिए आपको कोऑपरेटिव में क्या करना है ना, आपको जो करंट पढ़ने हैं आपको सारे करंट पढ़ने हैं। आपको दो चीजें तैयार करनी है, आपको वन लाइनर करंट भी पढ़ना है, आपको एक हाई लेवल का करंट भी पढ़ना है, क्योंकि नैब में दोनों का मिक्सचर आया है। वन लाइनर क्वेश्चन भी आए हैं और एक हाई लेवल का कंटेंट भी आया है। ओके, सबसे पहले मैंने बता दिया आपको पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं, आपको पॉलिटी अच्छे से करनी है। सेकेंड चीज मैंने आपको बता दी कि एंशियंट और मिडिवल भी आपको पढ़नी है। इस बार नैब में एंशियंट के क्वेश्चन आ गए, अपन एक्सपेक्ट नहीं किए थे। आपको एंशियंट और मिडिवल भी कोऑपरेटिव के लिए करके जानी है, क्या पता कोऑपरेटिव में मिडिवल का क्वेश्चन आ जाए। मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको करनी करनी है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आए हैं ना, गांधी इरविन और भी क्वेश्चन हैं। अब जो एक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप पॉलिटी का हिस्सा भी मान सकते हो और मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा भी मान सकते हो। इसलिए पॉलिटी तो करनी करनी है कोऑपरेटिव के लिए, ठीक है? पॉलिटी करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी करनी है, स्पेक्ट्रम से कर लो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत कर लो, पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम कर लो, 1857 से लेकर 1947 इनफ है। अब आप एंशियंट कर लो, एंशियंट के क्वेश्चन नैब में आ गए, मिडिवल के शायद कोऑपरेटिव में आ जाए। एंशियंट और मिडिवल के लिए आप 11th क्लास की तमिलनाडु की बुक कर सकते हो। इन्वायरमेंट आपको करके जाना है शंकर आईएएस की बुक से, इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन नैब तहसीलदार में बहुत सारे आए हैं।
ज्योग्राफी आपको करके जानी है 6 से लेकर 12 की, क्योंकि ज्योग्राफी में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। करंट अफेयर आपको दोनों तरह का प्रिपेयर करना है, हाई लेवल करंट भी करना है और आपको लो लेवल करंट भी करना है। अगर मान लो आप एक एक्सरसाइज है न्यूज में है, आप उसे पढ़ रहे हो, है ना, एक एक्सरसाइज है न्यूज में है आप उसे पढ़ रहे हो। जैसे मैं बात करती हूँ, कोई भी एक्सरसाइज ले लो, इंदिरा ले लो, है ना, आप ये भी पढ़ो वो एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में है। ठीक है, ये तो वन लाइनर हो गया, क्योंकि आपको वन लाइनर भी आ सकता है। दूसरी चीज ये हो गई कि आप उसे स्टेटमेंट वाला भी पढ़ लो कि उसकी जो 2022 की है, मतलब कि वो कहाँ पे हुई है एक्सरसाइज, 2022 में कौन से देश में हुई है, अच्छा उसका कौन सा एडिशन था। ये होता है दो चीजें। तो आप मेरी बात को पल्ले बांध लेना कि आपको कोऑपरेटिव के लिए अगर तैयारी करनी है ना, तो आपको दोनों चीजों को तैयार करके जाना है। आपको करंट वन लाइनर भी करना है, कोई अवार्ड, कोई गेम्स, कोई बुक, और आपको एक हाई लेवल का करंट भी करना है। अब मैं बताती हूँ मेरी टेस्ट सीरीज में से क्या क्या कंटेंट आया, मेरी क्लासेस में से क्या क्या कंटेंट आया। देखिए, मैंने सबसे पहले ये बोला था कि जो एक्ट है, एक्ट में से क्वेश्चन आएंगे, तो एक्ट में से बड़े सारे क्वेश्चन आए हैं। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से क्वेश्चन आया है। एक्ट को आप क्वालिटी का हिस्सा भी मान सकते हैं, एक्ट को आप मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा भी मान सकते हैं। 1833 वाले एक्ट से क्वेश्चन आया है। जब मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी ना, आप जाके देखना, मैंने क्लासेस में साफ साफ बोला था, बच्चों क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आए हैं। मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन डाले थे, ठीक है, और मैंने ये बोला था पॉलिटी में क्वेश्चन आएंगे। मैंने ये बोला था नैप का पेपर एक लेवल का आएगा, भाइयों दूसरे पेपर से कंपेयर ना करो। तो पेपर लेवल का आया है, पॉलिटी में क्वेश्चन आए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन आए हैं। ज्योग्राफी मैंने नहीं बोली थी भाई इतने क्वेश्चन आएंगे, वो सही सी बात है, क्योंकि आप बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं। वो अनएक्सपेक्टेड हो गया, इतने सारे क्वेश्चन आ गए। मेरे को लगा था ज्योग्राफी में करंट आएंगे, जैसे कोई वोल्केनो आ जाता है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई मैप आ जाता है, तो मैप वगैरह वगैरह कुछ नहीं आया, कोई वोल्केनो, कोई अर्थक्वेक का। ज्योग्राफी स्टैटिक आई, उससे सीखिए और आगे की तैयारी करिए। ओके, तो करंट अफेयर्स मैंने बोले थे कि बहुत सारे करंट अफेयर्स आएंगे और करंट अफेयर आए। मैंने ये भी बोला था कि 1 से लेकर 10 तक, मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको अवार्ड, गेम, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन आए हैं। ये बात आप याद रखना। तो आपको करंट अफेयर कैसे तैयार करना है, वन लाइनर भी और एक हाई लेवल का करंट भी, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बोली थी मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, वो तो मैंने बोला ही था। मैंने बोला था पंजाब जीके इंपॉर्टेंट है, पंजाब जीके भी इंपॉर्टेंट है, तो पंजाब जीके में से भी क्वेश्चन आए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ टेस्ट सीरीज वाला। अब ना टेस्ट सीरीज में से मेरे क्या क्या कंटेंट आया है, नैब तहसीलदार, मैंने यहाँ पे ना पेपर में सारा कुछ लिखा है कि मतलब कौन कौन से क्वेश्चन में से, सॉरी कौन कौन से सब्जेक्ट में से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। तो देखो, पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं, मॉडर्न, पहले मैं सबसे पहले आपको जल्दी जल्दी कंक्लूड करके बता देती हूँ। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए हैं 10 से 12, तो आपको ज्योग्राफी करनी है, ठीक है, 6 से लेकर 12 के आंसर। पॉलिटी में से क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी में से भी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी में से भी ज्यादा आए हैं, एनवायरमेंट के भी क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी ज्यादा आए हैं। उसके बाद आप बात करते हैं इकोनॉमी के भी क्वेश्चन 2 से लेकर 3 तक आए हैं, बट एक लेवल का क्वेश्चन आया, 0 कूपन बॉन्ड वगैरह, है ना। और उसके बाद आप बात करते हैं कि इन्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, पंजाब जीके में से 6 क्वेश्चन आए थे। तो अब आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। अब आप सोचो कि क्वेश्चन कब मैं मतलब कि आपको सोल्व करवाऊंगी, एनालिसिस करवाऊंगी, तो देखो उसका मैं अभी आपको बताती हूँ। अब मैं बताती हूँ मेरी टेस्ट सीरीज में से क्या क्या कंटेंट आया। मैंने जो 300 MCQ की बेस्ट टेस्ट सीरीज बनाई थी ना, उसमें से कंटेंट आया है, उसमें से क्वेश्चन आए हैं, डिट्टो क्वेश्चन आए हैं। इसका प्रूफ मैंने टेलीग्राम पे भी दिया है और कम्युनिटी पे भी दिया है। 300 MCQ मैंने प्रिपेयर किए थे दोनों एग्जाम के लिए, नैब के लिए भी और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के लिए भी। एक ना क्वेश्चन नंबर 44 है, जो कि नैब तहसीलदार में आया, अटॉर्नी जनरल का सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में डाला था। मैंने टेलीग्राम पे डाला है, कम्युनिटी पे भी डाला है, ये सेम क्वेश्चन आया है, सेम अटॉर्नी जनरल का। एक चीज मैं और बताती हूँ, मैंने बताया था क्वेश्चन, अब आप देखना नैब तहसीलदार का 43 क्वेश्चन देखना, 43 मोंटेग्यू चैलम फोर्ड रिफॉर्म के बारे में। ये मैंने जो अपनी एमसीक्यू की टेस्ट, सॉरी एमसीक्यू की जो सीरीज स्टार्ट की थी ना, उसमें मैंने ये डिट्टो क्वेश्चन करवाया, डिट्टो मैंने ये भी टेलीग्राम पे डाला, आप जाके देखना। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जो मेरी क्लासेस हैं, जैसे जैसे मैंने क्लासेस में बताया था, जैसे जैसे मैंने कंटेंट बताया था, वैसे वैसे पेपर आया है। मेरी टेस्ट सीरीज में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन
नैब तहसीलदार का 44 क्वेश्चन, अटोर्नी जनरल वाला सेम मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में डाला था। क्वेश्चन 43 मोंटेग्यू वाला भी सेम मैंने, जो मेरी फ्री वाली यूट्यूब पे एमसीक्यू वाली सीरीज मैंने स्टार्ट की थी ना पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें मैंने ये क्वेश्चन डिट्टो करवाया। क्वेश्चन नंबर 2 पॉलिटी का कौन सा पार्ट है वो भी मेरे को याद नहीं है, आप टेलीग्राम पे देखना, मैंने कल सब कुछ टेलीग्राम पे बताया था। और उसके बाद मैं आपसे और बात करती हूँ। हाँ, मिसल वाला क्वेश्चन, जो मिसल वाला क्वेश्चन है वो मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में भी डाला था। मैंने ये बोला था भाई मिसल की, जब मैंने वीडियो डाली थी ना मिसल का क्वेश्चन, मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में भी डाला। मिसल वाला जो क्वेश्चन था वो, जब मैंने ना पंजाब जीके की मैं क्लासेस ले रही थी ना, उसमें मैंने ट्रिक से मिसल करवाई और मैंने ये भी बोला था, ये मेरे वर्ड्स जो हैं आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने ये बोला था कि भाइयों मिसल रट लेना, मिसल पे क्वेश्चन आएगा, मेरे से पेपर पे लिखवाना है तो पेपर पे लिखवा लो। ये बात मैंने तब भी बोली थी क्लास में, क्लास वहाँ की वहाँ पढ़ी है, आप जाके देख सकते हो, और मिसल में से क्वेश्चन आया। मैंने ये भी बोली थी पंजाब जीके के बारे में बात, कि पंजाब जीके में जब आप 10 गुरु जी के बारे में पढ़ते हो ना, तो आपको पढ़ना चाहिए कि वन लाइनर आते हैं क्वेश्चन, आदि ग्रंथ किसने कंपोज किया, सुखमनी साहिब किसने कंपोज किया, मीरी पीरी किसने इंट्रोड्यूस की, मंजी मसंद, तो ऐसा क्वेश्चन आया ना, मसंद सिस्टम किसने अबोलिश किया। मैंने ये बातें अपनी क्लासेस में की हुई हैं, जो बच्चे ने मेरी क्लासेस देखी है ना वो समझ सकता है कि ये बिल्कुल सही है। ओके, अब और चीजें हैं, देखिए ये क्वेश्चन तो एग्जैक्ट आ गया ना मेरी क्लासेस में से सीधा। अब जो कोप 26 वाला क्वेश्चन ना, पंचमृत वाला क्वेश्चन, वो मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में डाला था, उसकी मैंने क्लास भी करवाई है कोप 26 की। मैंने पंचमृत के बारे में भी पढ़ाया, क्लास जो मेरी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस थी ना उसमें मैंने पढ़ाया था कोप 26 के बारे में, पंचमृत के बारे में। मैंने डिट्टो क्वेश्चन, डिट्टो इन द सेंस थोड़ी स्टेटमेंट बदली हुई है, उनकी स्टेटमेंट अलग है और मेरी स्टेटमेंट अलग है, मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में भी डाला था पंचमृत का क्वेश्चन, सेम पंचमृत, उन्होंने भी पंचमृत में डाला है, मैंने भी पंचमृत। ये अब एक मिलन वाला क्वेश्चन था ना, मिलन 2022 एक्सरसाइज, उन्होंने थीम वगैरह पूछी है, मैंने मिलन वाला क्वेश्चन भी अपनी टेस्ट सीरीज में डाला है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी टेस्ट सीरीज से कंटेंट आया है, जो मेरी क्लासेस से कंटेंट आया है। जनजातीय गौरव दिवस की अगर मैं बात करूं, तो जो मैंने अभी सीरीज स्टार्ट की थी ना, सीरीज जो मैंने अपनी सीरीज स्टार्ट की है ना यूट्यूब पे फ्री, टॉप 10 एमसीक्यू पॉलिटी के मॉडर्न हिस्ट्री के, वहां पे अगर जिस बच्चे ने वो क्लास देखी है, वहां पे मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था बिरसा मुंडा के बारे में, और मैंने ये भी बताया बिरसा मुंडा के जन्म पर भारत सरकार ने 15 नवंबर 2021 को अनाउंस किया है कि वो जनजातीय गौरव दिवस मनाएगी। जिस बच्चे ने वो क्लास देखी होती ना वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाता। अब ना मैं तीन दिन, लास्ट वाले तीन दिन 20 मई और 21 मई को, आपके पेपर से पहले 22 मई 20 और 21 को मैं तीन क्लासेस लेकर आई थी स्पेशल नैब तहसीलदार की। उसमें ना मैंने एक करंट करवाया था कि ALH 84001 क्या चीज है, तो वो एक मेट्रोइड था, ALH है ना, तो उसमें मैंने समझाया कि मेट्रोइड, मिट्योर और मेट्रोइड में क्या फर्क होता है। अगर बच्चा पेपर से पहले मेरी वो क्लास देख के जाता, अगर उसने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती, वो वहाँ पे जो मेसोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर वाला क्वेश्चन आया था इसे इजीली सॉल्व कर पाता, क्योंकि ना वहाँ पे मेट्रोइड वाला क्वेश्चन था, मैंने डिफरेंस बताया कि मिट्योर, मेट्रोइड और मेट्रोइड में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने बताया था जो मिट्योर होते हैं ना वो अर्थ के एटमोसफियर में आ जाते हैं, और अर्थ की जो एटमोसफियर की जो लेयर है ना मेसोस्फीयर थर्ड नंबर वाली लेयर, वहां पे वो बर्न हो जाते हैं और हमें आसमान से दिखाई देता है टूटता तारा, वो कोई टूटता तारा नहीं होता, मेट्योर ड्यू टू हाई फ्रिक्शन वहां पे जाके क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, उसे आप शूटिंग स्टार ऐसे बोल देते हैं मेसोस्फीयर में। अब जिस बच्चे ने मेरी वो क्लासेस देखी होती, तीन क्लासेस मेट्रोइड, मेट्योर और मेट्रोइड का डिफरेंस देखा होता, वो उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाता। मैं तीन दिन स्पेशल क्लासेस लेकर आई, तीन पार्ट, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं, यूट्यूब पे लेकर आई थी मैं। ओके, और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं। यस, वन सेकेंड। ओके, हाँ, मैंने बोला था कि मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ती हो तो आपको क्रोनोलॉजिकली इवेंट आने चाहिए, ये मैंने लास्ट वाली अपनी तीन क्लासेस में भी बोला था कि आपको आने चाहिए, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आता है, तो क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन आए हुए थे। ओके, देखिए मेरी जो टेस्ट सीरीज थी 300 बेस्ट एमसीक्यू वाली, उसमें से भी बहुत सारा कंटेंट आया है, और जो जो क्लासेस मैंने फ्री दी थी उसमें से भी कंटेंट आया है,
मैंने आपको सारा कुछ बताया है और मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया है, कम्युनिटी में भी पोस्ट किया, यूट्यूब की आप जाके जरूर देखना। देखो जो 300 बेस्ट एमसीक्यू थे, इसमें मैंने पीपीएससी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाकर करंट अफेयर्स भी डाले थे। मैंने इसमें अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के करंट अफेयर्स भी डाले थे 2022 के। ये जो टेस्ट सीरीज थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, ये दोनों एग्जाम के लिए थी। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर के लिए इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। 31 मई तक इसका जो प्राइस है ना वो 150 रुपीज़ है, उसके बाद प्राइस 200 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल रीजनेबल प्राइस रखा है। पता है क्यों रीजनेबल इसलिए रखा है? ताकि हर कोई बच्चा खरीद सके, किसी को ये ना लगे कि मैं क्वेश्चन तो सोल्व करना चाहता हूँ बट मैं इतने पैसे नहीं पे कर सकता, इसलिए मैंने बिल्कुल रीजनेबल प्राइस रखा है, सिर्फ 150 रुपीज़। 200 की है, मैंने डिस्काउंट है 150। 31 मई तक ही ये आपको सिर्फ 150 की मिलेगी। 31 मई के बाद इसका प्राइस जो है वो 200 हो जाएगा। 1 जून से इसका प्राइस 200 रुपये हो जाएगा, ये बात आप याद रखना। एंड दूसरी चीज़ ये है, देखो जो पीपीएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं डेली एमसीक्यू करवाती हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के, जिसमें मैं सारे स्टैटिक सब्जेक्ट के एमसीक्यू आपको करवाने वाली हूँ। पॉलिटी तीनों तरह की, हिस्ट्री तीनों तरह की, साइंस इन्वायरमेंट इकोनॉमी ज्योग्राफी विद एक्सप्लेनेशन, टॉप 10 एमसीक्यू, आप वो क्लासेस जरूर देखना। मैंने अभी आपको बताया ना मेरी उस क्लास में से डिट्टो क्वेश्चन आया है मोंटेग्यू वाला। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, टेलीग्राम पे मैंने आपको वो वीडियो भी दिखाई है, वो क्वेश्चन भी दिखाया है। टेस्ट सीरीज में से जितने जितने क्वेश्चन आए हैं वो भी मैंने टेलीग्राम पे सब कुछ पोस्ट किया है, आप जाके जरूर देखना। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वैसे मैंने कम्युनिटी में भी डाला है। ओके, तो 31 मई तक ये सिर्फ 150 रुपीज के हैं 300 MCQ। एक और अनाउंसमेंट मैं आप सभी के साथ करने वाली हूँ। देखो हफ्ते में एक बार मैं पीपीएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर के लिए स्पेशल एमसीक्यू क्लास लेकर आऊंगी, जिसमें मैं अलग अलग सब्जेक्ट के एमसीक्यू करवाऊंगी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवल, तीनों तरह की साइंस। हफ्ते में सिर्फ एक क्लास आएगी, मैराथन विद एक्सप्लेनेशन, आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री क्लास यूट्यूब पर। एंड आपको अगर 300 एमसीक्यू लेने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ना सीधा सीधा क्वेश्चन मेरी टेस्ट सीरीज में से आए हैं। अगर आपको लेनी है तो आप मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। 150 रुपीज़ प्राइस है सिर्फ 31 मई तक। देखिए learnwithme2103@gmail.com पे आप मैसेज करके वो टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। 1 जून के बाद उसका प्राइस 200 होगा, ये बात आप याद रखना, सिर्फ 31 मई तक है ये प्राइस। एंड सेकेंड थिंग, मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ। देखिए कोऑपरेटिव की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो आप नैब तहसीलदार के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया कि नैब तहसीलदार के पेपर का एक लेवल था, आपको कोऑपरेटिव का एक लेवल तैयार करना है, आपको सारे सब्जेक्ट करके जाने हैं, कोई रिस्क नहीं लेना। इस बार इसने एंशियंट से पूछ लिया, कल को वो किससे पूछ लेगा भाई, कल को वो मेडिवल से पूछ लेगा, इसलिए चीज़ें अनप्रिडिक्टेड हैं। अब मेरी ना मेरे चैनल पर डेली 2 वीडियोस आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट के एमसीक्यू की, वो भी आपको देखनी है। डिट्टो क्वेश्चन आया उसमें से प्रूफ मैंने दिया है, जाके देखिए प्रूफ। एंड सेकंड थिंग, हफ्ते में मैं एक बार पीपीएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर की एमसीक्यू की क्लास लेकर आऊंगी, मैराथन स्पेशल आपके लिए, बिल्कुल फ्री क्लास, आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेगी टेलीग्राम पे। ओके, सो देखिए मैंने आप सभी के साथ एनालिसिस कर दिया और मेरे कंटेंट में से क्या क्या आया, बिल्कुल मैंने ऑनेस्ट रिव्यू आपको दिया है। चलिए जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। तो मैं आप सभी के लिए हफ्ते में एक बार लेकर आऊँगी कोऑपरेटिव की, एंड 300 एमसीक्यू आप ज़रूर परचेज करना, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है, ताकि सारे के सारे स्टूडेंट खरीद सकें। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मैं सोच रही थी मैं क्या बताना था। देखो ऐसे ना वैसे कोई भी नहीं करता है, मैं पता क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जिन स्टूडेंट ने मेरी टेस्ट सीरीज ली है ना, मैं उनके मनी की भी वर्थ डाल दूँ, 150 रुपीज़ को भी उनके लिए वर्थ फुल बना दूँ। कैसे? अब देखो जो 300 एमसीक्यू थी वो मैंने बनाई है अप्रैल में बनाया है ना, मई में लास्ट वाला सेट तो मैंने बनाया ही मई में है, थर्ड सेट। तो मैं उसमें क्या क्या मैंने ऐड किया था, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल के मैंने करंट अफेयर्स ऐड किए थे, बाकी भी सारे सब्जेक्ट ऐड है, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, सब ऐड है। बट ना मैं उसमें आपको एक अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ। ऐसा कोई भी नहीं करता है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं करता है, बट मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को उनकी मनी की वर्थ और देना चाहती हूँ। जब तक कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर नहीं हो जाता,
ठीक है, मान लो जुलाई में होता है, जुलाई तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे ना, उन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के MCQ मैं उन बच्चों को प्रोवाइड करवाऊंगी जो मेरी टेस्ट सीरीज लेंगे। मान लो आपने 300 MCQ की टेस्ट सीरीज परचेज कर ली। अब जब तक कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर नहीं होता, तब तक जितने भी करंट अफेयर इकट्ठे होंगे ना, उन करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट MCQ मैं एक PDF बना के उन सभी बच्चों को सेंड करूंगी जो मेरी टेस्ट सीरीज परचेज करें, ताकि आपके करंट अफेयर्स छूटे ना। ये मैं एक चीज़ करने जा रही हूँ। एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप ले सकते हैं। एंड हफ्ते में एक बार मेरी क्लास जरूर आएगी, मैराथन, वो भी आप देखना। जो डेली मेरी MCQ की क्लासेस आती हैं वो भी आप देखना। पहले वाली जो भी मेरी क्लासेस मैंने दी हैं वो भी आप देखना, नैब और कोऑपरेटिव की, जीके की क्लासेस मैंने बीच में बंद कर दी थी क्योंकि मैंने अब क्लासेस नहीं देनी। उसकी यही वजह थी क्योंकि क्लासेस मैंने बहुत मेहनत करके मैं बनाती थी, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मतलब बच्चे तो देखते थे बट कोई ज़्यादा देखने वाले नहीं थे, बच्चे ज़्यादा डिमांड करते थे MCQ की। तो इसलिए मैंने सोचा मैं हफ्ते में एक बार MCQ लेकर आऊँगी आप सभी के लिए। यूट्यूब पे फ्री क्लास, फ्री PDF, बट आप मेरी टेस्ट सीरीज ज़रूर लेना क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ लगा के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ और मॉक टेस्ट के बिना मत जाना कोऑपरेटिव का पेपर देने, ये लिखवा लो। क्योंकि बड़े सारे बच्चों के ऐसे मेरे को मैसेज आए हैं कि मैम टाइम मैनेजमेंट का इशू था, हमसे ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। तो देखिए पहले करके जाया करो घर पे बैठ के MCQ। जो गलती यहाँ पे करोगे ना सुधार पाओगे, वहां पे करके आओगे ना सुधारने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।